हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज हम कर रहे हैं एक्सल लोड टेस्ट ऑफ व्हीकल। एक्सल लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं फ्रेंड, जो हमारी व्हीकल्स होता है जैसे डंपर होता है या कोई भी हैवी व्हीकल होता है, तो उसका जो वेट मालूम करने के लिए आपको इस एक्सल पैड की हेल्प लगती है। इस एक्सल पैड की हेल्प से आप किसी भी व्हीकल का वेट मालूम कर सकते हैं, उसके एक्सल पर या उसके पर्टिकुलर व्हील पर कितना वेट आ रहा है वो इस पैड की हेल्प से हम मालूम करते हैं। तो इसमें हम नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है फ्रेंड, वो यही है कि इस एक्सल पैड पे ऊपर हम जो हमारा व्हीकल है उसका फ्रंट व्हील और रियर व्हील को इसके ऊपर स्टेबल करके उस पर आने वाले वेट को मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो देख रहे हैं, हम फ्रंट व्हील है हमारा, इसको हमने एक्सल पैड के ऊपर स्टेबल कर लिया है। अब इस फ्रंट व्हील पर हमारा जो फ्रंट राइट साइड या लेफ्ट साइड व्हील पर एक व्हील पर कितना वेट आ रहा है वो हम इस जो हमारा डिस्प्ले है इस डिस्प्ले पर हमें दिखाई देगा। जैसे इसमें हमारा आ रहा है 3.77 टन। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो रियर लेफ्ट साइड व्हील है उसको हम इस एक्सल पैड के ऊपर स्टेबल कराएंगे और फिर उसके ऊपर कितना वेट आ रहा है वो हम इस डिस्प्ले की हेल्प से मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रखते हैं हमारा रियर व्हील को इस एक्सल पैड के ऊपर स्टेबल करते हैं और देखते हैं कि रियर व्हील पर हमारा कितना वेट आ रहा है। चलिए अब देखते हैं रियर व्हील पर कितना वेट आ रहा है हमारा। रियर लेफ्ट साइड व्हील पर हमारा वेट जो आ रहा है वो हम अब नोट करते हैं। चलिए डिस्प्ले की तरफ देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आ रहा है लगभग 12.03 टन। ठीक है, तो हमारे जो लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड ओके फ्रेंड, तो अब हम जो हमने प्रोसीजर ये किया है इससे हम हमारी जो टोटल व्हीकल है या टोटल हमारा डंपर है उस पर कितना वजन है, उसमें कितना लोड है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने फ्रंट व्हील पे जब हमने एक्सल पैड रखा तो उसमें हमारा लोड आ रहा था वो हुआ था 3.77 टन, और रियर व्हील या रियर एक्सल पे जब हमने हमारे जो वेट पैड है उसको रखा तो उसमें हमारा लोड आ रहा था 12.02 टन। तो हम इसको टोटल करके हमारा जो लोड आया है लेफ्ट साइड या राइट साइड में जिस जहाँ पर भी आपने एक्सल पैड को इस्तेमाल किया है वो हमारा आया है 15.79 टन। अब हम जस्ट इसको डबल कर देंगे तो हमारा जो टोटल गाड़ी का जो वेट है वो हमें मालूम चल जाता है। देखो हमने अभी क्या किया था, हमारे जो गाड़ी की लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हमने वेट नोट कर लिया है जो आया 15.79 टन। अब हमें जो अगली साइड है उस साइड के लिए क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई 2 कर देना है तो हमें जो टोटल गाड़ी का वेट है वो मालूम चल जाएगा, वो हो जाएगा 31.58 टन। ठीक है, अब फ्रेंड एक और सवाल आता है, अगर यहाँ पे हमारा डबल एक्सल होता, ठीक है यहाँ पे हमारे डबल एक्सल होता तब हम क्या करते, तब हमको इस प्रकार से करना था कि हमको एक्सल यहाँ पर जो रियर व्हील की जो रीडिंग आएंगी वो हमें दो रीडिंग लेना होगी, एक रीडिंग हमें रियर फ्रंट पे लेना होगी और एक रीडिंग हमें रियर जो हमारे फ्रंट और रियर के जो सेकंड रियर व्हील है उस पे हमें लेना होगी और फिर इसका टोटल करके फिर इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमें ये डबल एक्सल व्हीकल का भी लोड मालूम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड, जो कि हमारी ब्रिज के लोड टेस्ट के ऊपर। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई क्योंकि इसके ही कुछ डाटा जो है हमें ब्रिज के लोड टेस्ट में हमें यूज में आएंगे, इसलिए मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर करना और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।